मैजिकल जेसीबी रोबोट वर्सेस वाटरमेलन रोबोट। एक जादूगर गुस्से में यहां से वहां चहलकदमी कर रहा था। उसका जादुई प्रयोग असफल हो गया था, इसलिए उसे लोगों के ताने और बेइज्जती सुननी पड़ रही थी। अब वो गुस्से की ओर बदले की आग में जल रहा था। उसे किसी भी कीमत पर उन सब लोगों से बदला लेना था जिन्होंने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। बहुत उड़ा चुके मेरा मजाक, बस अब और नहीं, जल्द ही मैं सबको ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर मुझे और मेरे जादू को भूल नहीं पाएंगे। अब मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, अपने बेइज्जती का बदला लेना। उधर लोगों में अभी भी उस जादूगर की नाकामी अभी एक मजाक का कारण बन चुकी थी। बड़े मजे से वो उसके किस्से एक दूसरे को सुनाकर हंसने लगते। उन्हें क्या पता था उनकी ये हंसी जल्द ही आंसुओं में बदलने वाली थी। जादूगर ने खुद को अपने बड़े से कमरे में बंद करके रख दिया और रात दिन वो वहीं पर पड़ा रहता। ना तो उसके घर वालों को ना ही उसके करीबी लोगों को जरा सी भी भनक पड़ी कि आखिर उस कमरे के अंदर क्या हो रहा है। अचानक एक दिन उस कमरे से उस जादूगर की जोरदार हंसी गूंजने लगी। वो इतनी भयानक हंसी थी कि बाहर खड़े लोग भी सहम गए। अचानक वो दरवाजा खोलकर एक अजीब सा दिखने वाला रोबोट वहां से बाहर निकला। वो कोई टीन या लकड़ी का रोबोट नहीं था, वो एक तरबूज रोबोट था जिसे देखते ही लोगों ने अजीब सा मुंह बना दिया और वो फिर से उस अजीबोगरीब रोबोट पर और उस जादूगर पर हंसने लगे कि तभी अचानक उस तरबूज रोबोट ने ही उन हंसने वाले लोगों पर हमला कर दिया। उसके हाथों से अनगिनत बड़े बड़े तरबूज निकलकर लोगों को घायल करने लगे। हंसो और हंसो मुझ पर, लेकिन याद रखना यह तुम्हारी आखिरी हंसी होगी। इसके बाद जो कोई भी मुझ पर हंसेगा वो फिर से हंसने के काबिल नहीं रहेगा। अब मेरी बेइज्जती का बदला मेरा यह जादुई तरबूज रोबोट लेगा। हंसो और हंसो। जादूगर का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर लोग डर के मारे यहां से वहां भागने लगे। हंसने की गलती तो वो पहले ही कर चुके थे, इसलिए उस गलती की सजा वो तरबूज रोबोट उन्हें चुन चुन कर दे रहा था। अब पूरे इलाके में जहां भी जो भी जादूगर के किस्से सुनाकर हंसता, वाटरमेलन तरबूज रोबोट उस पर हमला बोल देता। ये बात पूरे शहर में फैल गई। लोग मदद की गुहार लेकर दूसरे अच्छे जादूगर के पास चले गए। पर यह मुसीबत थी कि उस जादूगर ने कई सालों पहले अपनी जादूगरी से संन्यास ले लिया था। वो अच्छा जादूगर कहता है, गलती तो उन सब लोगों से हुई है, किसी के नाकामयाबी का इतना भद्दा मजाक बनाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। हम हमारी गलती मानते हैं, हमने बात को बहुत ज्यादा खींच लिया, पर अब वो जो कर रहा है वो भी तो कोई सही बात नहीं है। आप हमारी मदद कीजिए, हमारी जान बचा लीजिए और हमें उस भयानक रोबोट से छुटकारा दिलाइए। उस अच्छे जादूगर ने काफी देर तक लोगों को मना किया, लेकिन आखिरकार लोगों की जिद के आगे और उनकी तकलीफ के आगे उसे झुकना ही पड़ा। उसने अपना पुराना जेसीबी रोबोट बाहर निकाला। वो काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था। अपनी जादुई ताकत के जरिए उसने उस रोबोट में जान डाल दी और उसे उस तरबूज रोबोट का सामना करने और उसे रोकने भेज दिया। तरबूज रोबोट पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। ऐसे में अचानक उसके सामने जादुई जेसीबी रोबोट आकर खड़ा हो गया और वहां दूसरी ओर अच्छा जादूगर उस पहले जादूगर से मिलने और उसे समझाने चला गया। दोनों जादुई रोबोट आपस में भिड़ गए, पर कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। यह नजारा देखकर लोगों के मन में दहशत और भी बढ़ गई। बंद करो ये सब, तुम एक अच्छे इंसान हो, ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होगा। यह सब उनके कर्मों के फल है जो उन्हें मिल रहे हैं। उन जैसे लोगों के साथ यही होना था। कमाल कर दिया भाई, तुमने अपने जादू का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है तुमने। अगर हमारे गुरुदेव यह देखते तो शर्म से पानी पानी हो जाते। मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारा गुरु बंधु हूं। याद करो गुरुदेव की बात और ये सब रोक दो। अपने जादू को सही कामों के लिए इस्तेमाल करो। अपने गुरुदेव का नाम सुनते ही जादूगर को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपना जादू वापस ले लिया। उसके ऐसा करते ही वो तरबूज रोबोट उसके पास वापस लौट गया।
अच्छे जादूगर ने भी अपने जैसे भी रोबोट को अपने पास वापस बुला लिया। जादूगर ने अपने गुरु बंधु से माफी मांगी और उसे वादा किया कि आगे से चाहे कुछ भी हो, वो अपने जादू का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करेगा। उसने लोगों से भी माफी मांगी। लोगों ने भी उससे अपने किए की माफी मांगी। अच्छे जादूगर की वजह से शहर में फिर से एक बार शांति लौट आई। स्नेक रोबोट अरीना, माइनक्राफ्ट रोबोट अटैक। इंसान जो बचपन से इच्छाधारी नागिन का बड़ा ही जबरदस्त फैन था, वो कभी ऐसे इच्छाधारी नागिन से मिल तो नहीं पाया, पर उसने एक ऐसा रोबोट बनाया जो बिल्कुल एक इच्छाधारी नागिन की तरह था। उसने उसका नाम एक रोबोट अरीना रखा था। अरीना बिल्कुल एक इच्छाधारी नागिन की तरह दिखती थी। उसमें उस इंसान ने पावर भी ऐसी डाली थी जैसे कि वो असली नागिन लग सके। उसके मुंह से कभी जहरीली गैस निकलती तो कभी आग की लपटें। ऊपर से उसके हाथों से निकलती नाक जैसी रस्सियां और जो भी उसकी आंखों में देखता वो हिप्नोटाइज हो जाता। मैंने तुम्हें तो बना दिया, पर अभी तक तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर पाया हूँ। काश कुछ ऐसा हो कि मैं दुनिया के सामने तुम्हें ला पाऊँ, उन्हें उनका नया सुपर हीरो दे पाऊँ। शायद भगवान ने उसकी सुन ली थी। एक माइनक्राफ्ट रोबोट के हर तरफ चर्चे होने लगे थे। किसी को पता नहीं था वो कहां से है, पर वो एक एक करके शहर की बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स को गिराते हुए जा रहा था। पूरे शहर में उसने तबाही मचा कर रखी थी। माइनक्राफ्ट रोबोट के बारे में सुनते ही उसने अपने स्नेक रोबोट अरीना को तुरंत एक्टिवेट कर दिया। अरीना की खासियत ये भी थी कि वो नागों की तरह धरती से निकलते कंपन के साथ पहचान लेती कि उसका दुश्मन कहाँ है। उसी की मदद से वो तुरंत माइनक्राफ्ट रोबोट तक पहुंच गई। वो लगातार अपनी जहरीली गैस उन माइनक्राफ्ट रोबोट पर छोड़ने लगी, पर वो तो रोबोट था, उस गैस का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद उसने अपने नागो जैसी रस्सियों का उस पर इस्तेमाल किया। उन रस्सियों ने माइनक्राफ्ट रोबोट को जकड़ लिया, लेकिन वो भी कुछ देर तक। कुछ मिनटों के बाद माइनक्राफ्ट रोबोट ने उनसे खुद को आज़ाद कर लिया। आग की लपटें भी माइनक्राफ्ट रोबोट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। उसकी पूरी बॉडी फायरप्रूफ जो थी। नहीं नहीं नहीं, मेरी अरीना हार नहीं सकती। इतनी मेहनत से मैंने उसे बनाया है, कुछ तो होगा जो उस माइनक्राफ्ट रोबोट पर असर करेगा। यस, ये सही रहेगा, अब वो रोबोट खुद अपने आप को खत्म करेगा। अरीना, उसे हिप्नोटाइज कर दो और उसे खुद को डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर दो। अरीना ने तुरंत अपने मालिक के ऑर्डर मान लिए। वो बलखाती हुई माइनक्राफ्ट रोबोट के सामने ठीक उसके चेहरे के सामने खड़ी हो गई और अपनी नीली आंखों से उसे हिप्नोटाइज करने लगी। देखते ही देखते माइनक्राफ्ट रोबोट पूरी तरह से उसके काबू में आ चुका था। अरीना उसे एक बड़े से खाली मैदान में लेकर गई। अरीना और माइनक्राफ्ट रोबोट बिना अपने पलके झपकाए खड़े थे। अरीना ने तुरंत उसे खुद को डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर दे दिए। माइनक्राफ्ट रोबोट ने अपने सिर का ढक्कन खोला और वो न जाने वहां पर रखे किसी बटन को दबा दिया। उसके ऐसा करते ही अरीना तुरंत उससे दूर चली गई और देखते ही देखते माइनक्राफ्ट रोबोट बड़े धमाके के साथ फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। यस, फाइनली मेरी अरीना ने ये कर दिखाया। शहर वालों, तुम्हें नया सुपर हीरो मिल चुका है, अब तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। अरीना अपने इम्तिहान में पूरी तरह से खरी उतर चुकी थी। माइनक्राफ्ट रोबोट के चितड़े हो चुके थे, इसलिए शहर वाले भी निश्चिंत हो गए। पर वो अरीना को ढूंढ पाते इससे पहले ही अरीना अपने मालिक के पास सुरक्षित वापस लौट गई।